और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान की सजा पर हाईकोर्ट की रोक, आजम खान और परिवार को जमानत मिली है। पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को जमानत दी गई है। दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में ये राहत मिली है। आपको बता दें, लोअर कोर्ट ने इस पर सजा सुनाई हुई है आजम और उनके परिवार को। हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की, जहां से राहत मिली है। सर्वेश, क्या हुआ कोर्ट में, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का दो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस पर 3 जनवरी 2019 को केस दर्ज हुआ था। और एक बर्थ सर्टिफिकेट इनका 1 जनवरी 1993 का दर्ज है, जो कि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र में है, जबकि लखनऊ नगर निगम से एक जारी प्रमाण पत्र है जो 30 सितंबर 1990 का है। तो दो अलग अलग जन प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में, उसके दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज की गई थी। और इस मामले में रामपुर की FP अवेले कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था और 7-7 साल की सजा सुनाई थी। तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल कर सजा को रद्द किए जाने की मांग की थी। इसके अलावा जमानत की दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने इसमें लंबी चली सुनवाई के बाद फैसला 14 मई को रिजर्व कर लिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने यहाँ पर बहस की थी उनकी ओर से, जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र ने बहस की थी और अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने इसमें पक्ष रखा था। आज कोर्ट ने, यानी कि जस्टिस संजय कुमार सिंह ने इसमें फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, यानी कि बिल्कुल और ये राहत जो है आजम खान और उनके परिवार को फिलहाल हाईकोर्ट से मिली है। शुक्रिया सर्वेश अपडेट के लिए।